हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुड टाइम्स विद सौम्या। मैं सौम्या, कैसे हैं आप लोग सब। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ आप लोग के लिए साबुत मूंग की स्वादिष्ट सब्जी। जब भी घर में सब्जी ना हो तो आप इजीली ये रेसिपी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जरूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे दोस्तों लिए है साबुत मूंग दाल, और मैंने यहाँ पे करीबन हाफ कप साबुत मूंग दाल का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने पहले से ही रात भर इसको भिगो कर रख लिया है। देखिए अच्छी तरह से फूल गया है। तो चलिए अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक ग्राइंडर जार ले लिया है। ग्राइंडर जार में मैंने डाल दिया है साबुत मूंग, उसके साथ डाल दिया हाफ इंच अदरक, ग्रीन चिली हाफ टी स्पून यहाँ पे डाल दिया, क्यूमिन सीड, थोड़ा सा नमक डाल के उसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और इसका कंसिस्टेंसी ठीक होना चाहिए, ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़ी अच्छी तरह से नहीं बनेगी। तो चलिए अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। बैटर यहाँ पे रेडी हो चुकी है। चलिए इसको ट्रांसफर कर लेते हैं अलग से बाउल में और थोड़ा सा निकाल के रख लेंगे। मैंने यहाँ पे करीबन 2 टीस्पून निकाल के रख लिया है छोटा सा बाउल में। ग्रेवी में इसको इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी थिक होने के लिए। अभी बना लेते हैं मूंग दाल की स्टीम बने बड़ी। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया, इसमें मैंने डाल दिया पानी, उसके ऊपर मैंने डाल दिया अभी एक छलनी, उसके छलनी के ऊपर अभी डाल देते हैं बड़ी। तो आप यहाँ पे हाथ से भी डाल सकते हैं, नहीं तो स्पून से भी आप डाल सकते हैं। देखिए मैं स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे और छोटे छोटे करके डाली। तो चलिए अभी इसको स्टीम करेंगे, 5 मिनट तक स्टीम करेंगे। साइड में बना लेते हैं मसाला। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राइंडर जार ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया हाफ अनियन, उसके साथ डाल दिया है 6 से 7 गार्लिक क्लोव्स और हाफ इंच जिंजर डाल दिया है, और एक टमाटर भी डाल दिया है। उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं अब सब्जी। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है करीबन 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप अपने हिसाब से कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, जीरा को थोड़ा तड़कने के लिए छोड़ दें। यहाँ पे मैंने डाल दिया तेज पत्ता, उसके साथ मैंने डाल दिया कटे हुए अनियंस। मैंने यहाँ पे एक ही अनियन का इस्तेमाल किया है, एक मैंने अच्छी तरह से पीस दिया है और एक को कटे हुए डाल दिया है। तो अभी इसको अच्छी तरह से थोड़ा टाइम के लिए फ्राई कर लेते हैं। अनियन अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। चलिए इसमें डाल देते हैं अभी पिसी हुई मसाला। मसाला डाल के इसको थोड़ा टाइम के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे, जिससे कि इसमें से कच्चे स्मेल चला जाए और मसाला अच्छी तरह से भून जाए। अभी ऐड करते थे सभी सूखा मसाला। सूखा मसाला मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है, और सभी मसालों को अच्छी तरह से अभी मिला के थोड़ा टाइम के लिए भून लेंगे। बीच में थोड़ा थोड़ा मसाला का पानी ऐड कीजिए और उसको अच्छी तरह से थोड़ा टाइम के लिए भून लीजिए। और इसमें मैंने अभी डाल दिया है पिसी हुई मूंग दाल, थोड़ा सा ग्रेवी को अच्छा थिकनेस देने के लिए। तो ये जरूर डालिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो चलिए अभी सभी मसालों को साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून नमक और इसमें मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून शुगर। दोनों चीज़ मिला के डालिए तो एक स्वाद का बैलेंस आता है अच्छी तरह से। तो चलिए अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे सब्जी में थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ेंगे। और देखिए यहाँ पे बड़ी हो चुकी है, 5 से 6 मिनट के बाद बड़ी बन के रेडी हो चुकी है। ज़्यादा इसको नहीं पकाएगा, ज़्यादा पकाने से थोड़े कड़े हो जाते हैं, तो 5 से 6 मिनट परफेक्ट है। तो चलिए अभी निकाल के डाल देंगे सब्जी में। अभी मैंने ग्रेवी में डाल दिया है पानी और उसको अभी थोड़ा टाइम के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ते हैं। बॉयल करने से क्या होता है ना, जो बड़ी है उसके अंदर अच्छी तरह से मसाला चला जाता है और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाता है। तो चलिए अभी मिला देते हैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कस्तूरी मेथी। सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों, साबुत मूंग की स्वादिष्ट वाली सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अगर घर पे सब्जी नहीं है आप ऐसे भी बना सकते हैं, रोटी नान राइस के साथ आराम से खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई रेसिपी से। तब तक के लिए खुश रहिए, बिल्कुल मजे में रहिए। टाटा बाय, सी यू। हेलो एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल द गुड टाइम्स विद सौम्या एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो।